ट्रांसमिशन लिमिटेड 2023 आर्थिक वर्षर क्वार्टर टू फलाफल घोषणा। सेप्टेम्बर 30 सुधा सरुवा क्वार्टर में ऑपरेशनल ईबीआईटीडीए 7% अभिवृद्धि सह ईयर ओवर ईयर लाभ 1241 कोटी पहुंची। क्याश प्रॉफिट 748 कोटी पहुंची। आदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड 352 सीकेएम थिबा बेले मोट ट्रांसमिशन नेटवर्क 18795 सीकेएम पहुंची। कंपानीर लाकोडिया बनसकंटा प्रकल्प संपूर्ण कार्यक्षम हो सारी। देश में एनर्जी आवश्यकता इयर ओभर इयर 13% वृद्धि होबारे लगी, जहां 2233 मिलियन यूनिट पहुंची। आर्थिक वर्ष में सम्मिलित राजस्व 22% अभिवृद्धि सह 3032 कोटी पहुंची। आदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड होउछि देशर सबुठू बड़ घरोई ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आर्थिक वर्षर द्वितीय क्वार्टर में राजस्व 2479 थिबा बेले 2023 आर्थिक वर्ष में यह 3032 कोटी पहुंची। क्याश प्रॉफिट 2022 आर्थिक वर्ष में 692 कोटी थिबा बेले 2023 748 कोटी पहुंची। ट्रांसमिशन व्यवसायर यह राजस्व वृद्धि नुआकरी कमिशन होता लाइन जो संभव हो एनर्जी आवश्यकता यह प्रोत्साहित कर। डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट रे एईएमएल मुंबई एवं मुंद्रा यूटिलिटीज लिमिटेड अंतर्भुक्त। 2021 डिसेंबर रे मुंद्रा यूटिलिटीज को अधिग्रहण करा जायतिला। आदानी ट्रांसमिशन 2050 सुधा नेट जीरो हेबाकू प्रतिश्रुतिबद्ध। ग्लोबल वार्मिंग 1.5 C भितरे सीमाबद्ध रखा कंपनी निष्पत्ति नेछि। नुआ उद्भावन एवं गुणवत्ता पाई ग्रीन टेक क्वालिटी एंड इनोवेशन 2022 पुरस्कार मिलिछि। आदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड होउछि देशर सबुठू बड़ घरोई ट्रांसमिशन कंपनी, जहार ट्रांसमिशन नेटवर्क 18795 किलोमीटर रही बेले से भितर 15003 सीकेएम ऑपरेशनल थिबा बेले 3792 सीकेएम विभिन्न स्थान में निर्माणाधीन रही। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।